आज बड़े दिनों बाद मैंने बनाई दाल बाटी और साथ में बाजरे की आटे की भी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाजरे की आटे की बाटी अच्छी लगती है, तो पहले मैंने उनके लिए बना दी और फिर मैंने दूसरा आटा लगाया वो बनाई। तो ओवन में दोनों साथ में ही रख दी थी बेक होने के लिए। मैं ओवन में ही बनाती हूँ, वो बर्तन है ना बहुत बड़ा होता है, वो ज़्यादा जन के लिए बनाते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन हम अभी तीन ही जन हैं ना, तो हमारे लिए इनफ है इतना। तो मैंने ओवन में बना ली थी, ओवन में भी बहुत अच्छी बन जाती है और मस्त बन गई थी हमारी बाटी। और दाल लक्ष्मी ने बनाई थी, यम्मी वाला खाना, और घी तो बहुत ज़्यादा जाता है इसमें, मैंने मोयन के लिए भी डाला और बाद में भी डाला। और गुड़ का बनाया था मैंने बाजरे का चूरमा, अभी मैं फटाफट बना के रख दूँगी। और हमारा क्या पूरा दिन बस कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ उसमें चला जाता है, कभी घर का काम कभी बाहर का काम। और बहुत दिनों से मैं ब्लॉग ही नहीं डाला, 7-8 दिन हो गए मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे गुरु आते हैं ना भाईंदर में 3 दिन, वो आए थे। ब्लॉग देखा करो दोस्तों, थोड़ा लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब करो, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है थोड़ा हौसले की, क्योंकि मैं जब देखूंगी कि मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं अभी डेली रूटीन मेरा जो है वो ब्लॉग रोज़ डालूंगी, मुझे जैसा टाइम मिलेगा वैसा, तो आप देखते रहिए। और उसके साथ में मैंने टमाटर की भी चटनी बनाई थी, क्योंकि टमाटर की चटनी और मिर्ची फ्राई के बिना तो दाल बाटी अधूरी लगती है, तो उसमें तो वही टेस्ट आता है, क्योंकि दाल बाटी और चटनी और ये मिर्ची फ्राई ये थाली में अलग ही लगती है, खाने को भी इंटरेस्ट आता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ये बन गई हमारी दम बाटियाँ और अभी मैं इनको घी भर के निकाल लूँगी, सब में घी डालूँगी और फिर चूरमा बनाऊँगी थोड़ा, फिर हमारी थाली रेडी होगी और फिर हम लोग खाएँगे, खा के भी बताऊँगी आपको। गले में गले में अभी लग रही है हमारी थाली। अभी दाल गर्मा गर्म जो लक्ष्मी ने बनाई है बहुत टेस्टी बनाती है वो दाल और चटनी मैंने बनाई है, वाटी भी मैंने बनाई है, चूरमा भी बनाया, हम दोनों माँ बेटी मिलके सब जिसको जो आता है वो कर लेते हैं। लक्ष्मी भी कभी कभी बनाती है, कभी मैं भी बना लेती हूँ, मिल बांट के ही माँ बेटी काम करते हैं तो काम फटाफट हो जाता है। अभी हमारी यम्मी वाली थाली लग रही है, आ जाओ दोस्तों आप लोग भी खाने को, और देख के बनाओ कैसा है खाना, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मसाला बाटी मेरा भरत बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है। अभी वो घूमने को गए हैं दोनों भाई दुबई, आएंगे तभी वो बनाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बनाता है। और ऐसे ही प्यारी सी मुस्कान के साथ रोज़ ब्लॉग डालूंगी, देखते रहिए दोस्तों, और हमेशा स्माइल करते रहिए और हेल्दी रहिए और खाते रहिए, अच्छी अच्छी डिशेज बनाते रहिए, लेकिन हेल्दी डिश खाइए। और यही था मेरा आज का मिनी ब्लॉग, बाय बाय दोस्तों।